चूरे भिखारी, तुझे मरने के लिए हमारी बाइक मिली? महावीर, ये अपनी बाइक के आ गए इसलिए गिरा है क्योंकि ना पैसों से मतलब है, अपनी जान से नहीं। नहीं नहीं भैया, मैं आपकी बाइक के आगे जान पूछ कर नहीं गिरा हूँ, मुझे ना भूख लग रही थी इसलिए चक्कर आ गए, इसलिए गिर गया। अबे भिखारी, तुझे भूख लग रही क्या? मेरी बाइक तेरा पेट भर देगी इसलिए गिरा क्या? और देख चला जा, तूने मेरी रास्ता और खोटी कर दी, वरना तुझे बहुत पीटूंगा। यार ऐसे भिखारी तो मिलते ही रहते हैं, अपन लेट हो रहे हैं, चल चलते हैं। हे भगवान, तू इतना अन्याय क्यों है? मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। भगवान, तूने मुझे अनाथ क्यों बनाया? अरे भैया, भैया कुछ खाने को दे दो। अबे ओए भिखारी, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? और तुझे पता है हम लोग ना रात से सोए नहीं है। अबे कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है हमें? तू जा यहाँ से। भैया भैया कुछ खाने के दे दो, अगर खाने नहीं है तो पैसे दे दो, मैं कुछ लेकर खा लूंगा। क्यों रे भिखारी, तुझे खाना खाने के लिए पैसे चाहिए? अनुष्का चल इसे खाना खाने के लिए पैसे देते हैं। क्यों रे भिखारी, तूने हमारी नींद खराब कर दी, और तुझे पता है तेरे खाने से ज्यादा हमारी नींद इम्पोर्टेंट है। अबे ओए, पहले ना तू हमें ये बता, तेरे माँ बाप कहाँ हैं और तू इस तरह भीख क्यों मांग रहा है? दीदी मैं नाता हूँ और मैं भीख मांगकर पेट पालता हूँ, बस दो रोटी का सवाल है। और आपको भगवान करोड़पति बनाएगा, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अबे ओए भिखारी, हम तो खुद ही करोड़पति हैं, हमें दुआ की कोई जरूरत नहीं है। दुआ करनी है ना तो तू अपने लिए कर, क्योंकि तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। साले अगर तू हमें दोबारा तक गया ना तो ये गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा, चल निकल यहाँ से। अंकल 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 कुछ खाने को दे दो। अबे ओए, सुबह ही सुबह मेरे ने दुकान खोली, अभी दुकान खोले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मेरी बौनी भी ना हुई, उससे पहले तू मांगने आ गया, तुझे मैं कहाँ से दे दूँ? अरे ये मेरी रोजी रोटी है, कम से कम बौनी तो हो ही जाने देता। अरे चला आया अपनी इस मनुष्य शक्ल को लेके, सुबह ही सुबह मेरी बौनी और अनेट करने को आ गया कहाँ से। अंकल मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। अबे ओए भिखारी, तूने दो दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैंने क्या भिखारियों का ठेका ले लिया है? अरे ये मैं दो चार पैसे कमाता हूँ, मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मैं तुझे कहाँ से दे दूँ? चला जा, इससे मेरा दिमाग खराब हो। देख मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जा। बेटा यहाँ नहीं है तेरे लिए खाने को कुछ भी, जा रोड पर ही कहीं किसी से भीख मांग ले और तुझे मिल जाएगा, चल जा। अनुष्का, मैं ये सोच रहा हूँ ये जमीन खरीद कर और ये भट्टा तोड़वा कर यहाँ पर मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, क्योंकि ये जमीन एक नंबर की है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और हम गरीबों से पैसे ठगेंगे। ये हुई ना बात, चलो फिर इस भट्टे के मालिक से बात करते हैं इसे खरीदने की। ठीक भैया, कुछ दे दो खाने के लिए। क्यों बे भिखारी, तू फिर आ गया? अनुष्का, ये साला भिखारी मनुष्य है, जब से इसकी सूरत देखी है ना तब से हमें घाटा ही हो रहा है। भैया मैं मनुष्य नहीं हूँ। ओए भिखारी, तू मनुष्य नहीं है तो कहीं का भगवान है क्या? अबे ओए भिखारी, तुझे पता है हम यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट डील के लिए आए थे? लेकिन मुझे लगता है अजय, ये डील ना हमारे हाथों से जाने वाली है, क्योंकि इस मनुष्य का हमने चेहरा देख लिया है। ओए भिखारी, हम ना तेरी इतनी बुरी हालत करेंगे कि तू दोबारा हमारे पास भी नहीं आएगा। भैया भैया मुझे माफ कर दो। रहने दो अजय, आज तो हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से तू हमारे आस पास दिखा ना तो हम तेरी वो हालत करेंगे कि तू कभी सोच भी नहीं सकता, समझा तू? चल अनुष्का यहाँ से चलते हैं, हमें ना इस भट्टे की डील भी करनी है। ठीक है चलो। ए
भगवान मैं क्या करूं, तूने सारे दुख मेरी जिंदगी में क्यों लिख दिए और मुझे एक वक्त का खाना भी तलक नसीब नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। ऐसा करता हूँ, इस पुल से नदी में कूद जाता हूँ। अरे ये बच्चा नदी में क्यों कूद रहा है? ओ लड़के मेरी बात सुन। अरे बेटा क्या हुआ, तुम इस पुल के नीचे क्यों कूद रहे हो? क्या करूं अंकल, भूख से मरने से अच्छा तो यही होगा कि मैं नदी में कूद कर जान दे दूं। बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अंकल मैं ना तू, जो कुछ मुझे भीख में मिलता है मैं उसी को खाकर पेट पालता हूँ। देख बेटा मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ, तेरी एक दुख भरी कहानी है। अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा ना, मैं भी इसी नदी में कूद कर मर जाऊंगा। नहीं अंकल, आप मेरे पीछे अपनी जान क्यों दोगे? देख बेटा मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है, मैं आज से समझ लूंगा तू ही मेरा एक सहारा है। अंकल आपकी ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेटा इस कचरे को फेंक, आज से तू ना नई जिंदगी की शुरुआत कर, चल मेरे साथ। रुस्का आखिर वो वक्त आ ही गया, अब यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन अजय हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम करवाना होगा। हेलो ड्राइवर, क्या बात है और क्या हुआ? वो मर गया या जिंदा है? तो फिर उधर क्या कर रहा है, गाड़ी लेकर जल्दी आना। क्या आईएएस ऑफिसर ने पकड़ लिया? तू कहाँ पर है? ठीक है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तू वहीं पर रोक। यार अनुष्का एक प्रॉब्लम हो गई है। अजय क्या हुआ? हमारे ट्रक के नीचे आकर एक गरीब किसान मर गया और हमारे सारे ट्रक आईएएस ऑफिसर ने रोक लिए। चलो फिर चलते हैं। चलो ठीक है। ओए ये हमारा ट्रक किसने पकड़ा है? और तूने ना ये ट्रक रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुझे पता है इस ट्रक से ना एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैंने ये रोका है। अच्छा ये सब छोड़ और तू ये बता तेरा बड़ा साहब किधर है, उससे मिलवा हमें। हाँ चलो तुम मेरे साथ। अरे तू ये क्या, इस शहर का आईएएस ऑफिसर, तूने हमारे ट्रक क्यों रोके हैं? शायद तुझे पता नहीं है हमारे बारे में कि हम कौन हैं। अच्छा तो वो ट्रक तुम्हारा है जिस ट्रक से एक गरीब किसान की मौत हुई है, और तुम लोग ना अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। तो हम क्या करें, वो गरीब किसान मर गया, ना जाने हमारे ट्रक से कितने गरीब किसान मरते होंगे, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है। अजय छोड़ो ना सर, ये लो कुछ पैसे हमारी तरफ से, अब हमारे ट्रकों को जाने दो। सर आपके लिए रिश्वत दे रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में जानते नहीं है कि आप रिश्वत नहीं लेते हो। बहुत घमंड है ना तुम लोगों को पैसों का। तुम लोग क्या सोचते हो, रिश्वत देकर तुम लोग बच जाओगे? और क्या कहा, तुम्हारे ट्रकों से रोजाना किसान मरते रहते हैं, तुम लोगों को ना इंसानों की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। और सुनो मैंने पैसा नहीं इज्जत कमाई है, और हाँ शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं वही भिखारी हूँ जिसको तुमने बचपन में एक दिन बहुत पीटा था। क्या सर आप वही भिखारी हो? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन सर आप आईएएस ऑफिसर कैसे बने? तो फिर तुम लोग सुनो, एक टाइम ना मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। ऑफिसर इनके सारे ट्रक सीज कर दो और इन्हें ना अरेस्ट कर लो। ठीक है सर। ऑफिसर सुनो इनकी ब्लैक मनी जब्त कर लो, शायद
ये लोग ना भूल गई कि एक आईएएस ऑफिसर से किस तरीके से बात की जाती है। इन्हें तो मैं जेल में जाने के बाद बताऊंगा।